ब्लिंकन के अमेरिका दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बेहद ही खास है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके अलावा पीएम मोदी क्वाड के पहले 1-to-1 शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए। दौरे के आखिर दिन मोदी ने यूएन महासभा के मंच से दुनिया को संदेश भी दिया। दुनिया के सबसे बड़े मंच से ग्लोबल संदेश देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा खत्म हो गई। 3 दिन के ऐतिहासिक दौरे की समाप्ति के बाद मोदी न्यूयॉर्क से भारत रवाना हो गए। अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी 23 सितंबर को सुबह वॉशिंगटन पहुंचे। दौरे के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ऐतिहासिक मुलाकात हुई और फिर क्वाड शिखर सम्मेलन में मोदी ने हिस्सा लिया। दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने यूएन महासभा को संबोधित किया। अपने ऐतिहासिक दौरे के दूसरे दिन बाइडेन से मुलाकात के बाद मोदी ने बता दिया कि दोनों देशों के रिश्ते केवल मौजूदा दौर में ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि साझा ताकत और आपसी सहयोग से भविष्य का पूरा दशक भी टिका है। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए 5T वाला मंत्र भी दिया। तो अगले ही दिन यूएन महासभा में अंतरराष्ट्रीय मंच से बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला बोला। एक्सेलेंसी, आज की हमारी ये बायलेटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐतिहासिक संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए रवाना हो गए। भारत रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, पिछले कुछ दिनों में उपयोगी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्य किए गए हैं, कई सीईओ के साथ बातचीत और संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। हमारे लोगों के बीच समृद्ध संबंध हमारी मजबूत धरोहर में शुमार है। यूएन महासभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर तारीफ की है। नड्डा ने प्रधानमंत्री के संबोधन को 130 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला बताया। उनका उद्बोधन देश के 130 करोड़ भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। देश को गौरवान्वित करने के साथ साथ पूरी दुनिया में भारत की वैचारिक ध्वज पताका लहराने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर मुद्दे पर जिस बेबाकी के साथ भारत का दृष्टिकोण को रखा है और वैश्विक मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम। 3 दिन के अमेरिकी दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये अमेरिका दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा। भारत और अमेरिका दोनों देश दुनिया की तमाम चुनौतियों से निपटने के साथ साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। ऐसे में संकेत साफ है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।